चलो देखते हैं कि मेरा स्टेटस क्या होता है। क्या मेरा स्टेटस क्वीन ऑफ स्कूल है? पर मुझे इसे प्राइवेट करना होगा ताकि मैं अपने रियल फ्रेंड्स की पहचान कर सकूं। तो मिंकी बेटा, तुम्हारा स्टेटस क्या है? मम्मी, मेरा स्टेटस है एक गार्डनर। क्या मिंकी, तुरंत मेरे घर से बाहर निकल जाओ। क्या, पर क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्टेटस बहुत लो है और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हें पता भी है कि सोसाइटी में मेरा कितना मजाक उड़ेगा। पर मम्मी, मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैंने कहा ना, मेरे घर से बाहर निकल जाओ। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये स्टेटस मिला है। तुम्हारा स्टेटस क्या है? एक लॉयर। और तुम्हारा? तुमने इसे प्राइवेट क्यों किया है? मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा स्टेटस मेरे स्टेटस से लो होगा, इसीलिए तुम इसे छिपा रही हो। और हाँ, आज से तुम मेरी फ्रेंड नहीं हो, मतलब कि मैं तुमसे फ्रेंडशिप तोड़ रही हूँ। क्या, तो अगर मेरा स्टेटस लो भी होता है तो क्या तुम उस वजह से मुझसे फ्रेंडशिप तोड़ दोगी? हाँ बिल्कुल, मैं अपनी इमेज खराब नहीं कर सकती। आई कांट बिलीव यू। भेद, तुम्हारा स्टेटस प्राइवेट क्यों है? क्योंकि मेरा स्टेटस एक गार्डनर है और मैं नहीं चाहती कि किसी को ये पता चले। क्या, तुम्हारा स्टेटस गार्डनर है? हाँ। मिंकी, हमें ब्रेकअप करना होगा। क्या, पर क्यों? क्योंकि मैं गार्डनर को डेट नहीं कर सकता। मेरा स्टेटस एक सुपरवाइजर है और मैं गार्डनर को डेट करूंगा? कभी नहीं। वेल, तुम्हारा स्टेटस इतना भी वीआईपी नहीं है। एटलीस्ट मेरा स्टेटस तुम्हारे स्टेटस से तो बेटर ही है। सर, आपने मुझे टेस्ट में फेल क्यों किया? मैंने इसके लिए सारी रात जाकर पढ़ाई की थी। मैंने ऐसा तुम्हारे स्टेटस की वजह से किया है। तुम अच्छे मार्क्स पाना डिजर्व नहीं करती। सर, थैंक यू सो मच मुझे टेस्ट में ए देने के लिए, जबकि मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं था। ये कितना अनफेयर है। मैं दिल से चाहती हूँ कि राहुल मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए। क्या, पर क्यों? क्योंकि वो बहुत हैंडसम है। पर ये इतनी सारी लड़कियों ने राहुल को ऐसे घेर के क्यों रखा है? क्योंकि उसका स्टेटस किंग ऑफ द स्कूल है, तो जाहिर सी बात है कि सब उसे बहुत पसंद करते हैं। क्या, राहुल का स्टेटस किंग ऑफ द स्कूल है? पर ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी तक किसी को भी क्वीन ऑफ द स्कूल का स्टेटस नहीं मिला है? पता नहीं, पर मेरे ख्याल से रिया को ये स्टेटस मिलेगा क्योंकि वो स्कूल की सबसे ज्यादा सुंदर लड़की है। हाँ, तुमने सही कहा। गाइस, चलो कैंटीन चलते हैं। नहीं, मुझे तुमसे अब और फ्रेंडशिप नहीं रखनी क्योंकि तुम मेरे लेवल की नहीं हो। हाँ मिंकी, अब हमारे फ्रेंड्स होने का कोई फायदा नहीं है। मिंकी, तुम हमारी क्लास में क्या कर रही हो? तुम्हें इस क्लास में नहीं होना चाहिए, तुम्हें उस लोअर क्लास में जाके बैठना चाहिए। तुम्हें सही थी, अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरे सारे फ्रेंड्स फेक ही हैं। बस अब बहुत हुआ, मैंने सबको टेस्ट करके देख लिया और अब यही सही वक्त है मुझे सबको अपना रियल स्टेटस दिखाने का।